ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने रुद्राष्ट्र में राशि की सीरीज चला रखी है कि राशि के हिसाब से कौन सा रुद्राष्ट्र पहने। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में आपको वृष राशि के बारे में बताऊंगा कि वृष राशि पे कौन सा रुद्राक्ष चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया था, जैसे मेष राशि को बताया था, ऐसे वृष राशि में भी तीन रुद्राक्ष चलते हैं, दो मुखी, छह मुखी और दस मुखी। जी हाँ, दो, छह, दस। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आप तीनों में तीनों पहन सकते हैं, या फिर आपका कभी बजट नहीं हो तो तीनों में से कोई भी एक एक करके पहन सकते हैं। जब आपके पास बजट हो तो धीरे धीरे आप तीनों ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोस्तों दो मुखी है, छह मुखी और ये दस मुखी। ये देखिए, तीन दिखा दिया, ये वृष राशि पे होते हैं। मेष राशि का बता दिया, ऐसे हर राशि में मैं बताता रहूंगा। दो मुखी, ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो दो मुखी है ये इंडिया का अपने, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ छह मुखी और ये दस मुखी, ये नेपाल के रुद्राक्ष है। ये तीन दोनों नेपाली हैं और ये नेपाल का नहीं है, क्योंकि नेपाल का जो दो मुखी होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, रेयर होता है, कम होता है, इसलिए तो ये नेपाल का नहीं है। आप इस वीडियो में आपको मैं जो भी दूंगा सब सच बता के देते हैं, कोई झूठ बोल के नहीं देते। ये देखिए, जो नेपाली है उसको नेपाली बता रहा हूँ, जो इंडिया का है इंडिया का बता रहा हूँ। ये रामेश्वरम का है और इसमें उत्तराखंड का भी आता है, वो भी दो मुखी होता है, तीन तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अब बताता हूँ। देखिए, जो दो मुखी रुद्राक्ष है ये इसको अर्धनारेश्वर कहते हैं। अर्धनारेश्वर यानी शिव पार्वती का रूप होता है दो मुखी, जैसे अर्धनारेश्वर होते हैं आधा शिव आधा पार्वती, उसके लिए होता है। तो इसको पहनने से शिव जी और पार्वती का साक्षात आशीर्वाद आप पे बना रहता है, आपकी बुद्धि तेज होती है, जो आपका फैसले लेने का तरीका है वो एकदम सही रास्ते पे जाएगा, उसके लिए होता है। ये देखिए दो मुखी, अब आपको दिखाता हूँ छह मुखी। छह मुखी, ये देखिए छह मुखी है, नेपाली है, छह लाइन होगी। छह मुखी क्या है, भगवान शिव जी का पुत्र कार्तिकेय का होता है, कार्तिक भगवान का होता है। ये विद्या के लिए होता है, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, तेज के लिए होता है, उसके लिए होता है कार्तिक भगवान का। ये दो, ये देखिए, यह है दस मुखी। दस मुखी भगवान विष्णु जी का रूप होता है, ये दसो महाविद्या, दस ही शक्ति होती है इसके अंदर, भगवान विष्णु का साक्षात रूप होता है। ये देखिए, ये बुराइयों को कम करता है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो सारी बुराइयों को दूर कर देता है। तो ये, तो दोस्तों इसमें से आप कोई भी एक पहन सकते हैं या फिर तीनों पहन सकते हैं। अगर आपके पास तीनों बजट नहीं है, जैसे सबके रेट अलग अलग होते हैं, जैसे दो मुखी, छः मुखी नॉर्मल हो गया, दस मुखी महंगा होता है। अगर आप एक साथ नहीं ले सकते, दो मुखी ले लीजिए, छः मुखी ले लीजिए, फिर धीरे धीरे ले लिए। तो मतलब आपको ये बताया कि आपकी जो मेष राशि है, मेष राशि बताइए, वृष राशि, जो वृष राशि के हिसाब से ये रुद्राक्ष चलेगा आपको। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं राशि के हिसाब से, वैसे पहनेंगे कोई बुराई नहीं, लेकिन राशि के हिसाब से जो जानकारी, जो जिनको जानकारी नहीं, जो पूछ रहे थे, तो उनके लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको वृष राशि को बता दिया, तीन रुद्राक्ष चलेंगे, दो मुखी, छह मुखी, दस मुखी। आप तीनों में से पहन सकते हैं, जैसे बताया, धागे में, चांदी में, सिल्वर में, जैसे भी चाहे कोई भी पहन सकता है। अब आपको पंडित वगैरह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया वीडियो में। अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन जिन राशियों के बाद बचे, अभी तो स्टार्ट ही हुई है दूसरी राशि है, जिस सारी राशियों पर आपको वीडियो बनाऊंगा कौन सा रुद्राक्ष चलेगा। वैसे ये अलग से भी, जैसे आपको बताया, पहन सकते हैं, लेकिन ये खासकर पर्टिकुलर राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे बताया, ये दो मुखी आदनेश्वर शिव जी पार्वती का हो गया, कार्तिक भगवान का हो गया, विष्णु भगवान का, सारे भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो आपके जो कुंडली के हिसाब से ग्रह वगैरह हैं वो सब दोष मुक्त हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध होता है, बस गंगा जल से धो के भगवान जी के चरणों में लगा के पहन लीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया, अगर इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।